तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस एंड नमस्कार। तो आज छुट्टी है, मंडे है। किस बात की छुट्टी है दीपक, पता है क्या? आज पता नहीं यार, कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे है, कुछ तो गवर्नमेंट हॉलीडे है आज। तो आज यहाँ पर छुट्टी है, तो हम लोगों ने सुबह से बहुत सारी चीज़ें करी, लाइक काम वाम एंड ऑल दैट। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं हम। रुको, बताती हूँ मैं। ये क्या है दीपक, ये क्यों ऐसे सजा के रखा हुआ है? ये सब डिस्पोज करना है। डिस्पोज करना है? हाँ, तो सही बोला दीपक ने। इधर पर डिस्पोज करने के लिए हम ऐसे ही कुछ भी चीज कहीं पर भी नहीं फेंक सकते। देयर इज प्रॉपर जगह जहाँ पर फेंकना होता है। बहुत दिन से चीज़ें जो थी वो इकट्ठी हो रही थी, तो हमने सोचा आज फेंकने जाते हैं और साथ में आपको भी लेके चलते हैं। प्लस हम एक दो जगह और जाने वाले हैं, तो वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। तो चलिए। मुझे डांट रहा है फॉर नो रीजन। आज छुट्टी है तो पूरा खाली है पार्क। ये जो रीयूजेबल क्लॉथ्स हैं बस वही डंप करने होते हैं यहाँ पर, ताकि दूसरे लोग यूज कर सकें। ये देखो, ये आपको जो पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे क्लोथ्स जो लोग यूज कर सकें, रीयूज कर सकें, वही फेंक सकते हैं, वैसे कपड़े और क्लोथ्स, ताकि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो यहाँ से आके ले सके। तो ये है डंप करने की जगह। यहाँ हमारी जो सिटी है उसमें बहुत सारी जगह ऐसी, मतलब जगह हैं जहाँ हम फेंक सकते हैं। तो ये देखो दीपक फेंक रहा है। एक में ये जो नीचे फेंके हुए हैं ये अलाउड नहीं है, ये सिर्फ हम इसके अंदर डाल सकते हैं वो जो बनाया हुआ है। और अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो दिस इज़ लाइक, ये किसी के काम के ही नहीं है। तो आइडली ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखना चाहिए। तो पता नहीं किसने ऐसे फेंके हुए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों फेंके हमने, क्योंकि देखो उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है कि यहाँ पर रखने की जगह नहीं है, और दीपक बिलीव करता है कि जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हो, यूज़ की ना हो, वो फेंक देना चाहिए, और वो किसी और के काम आए तो वो और बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, आई थिंक लड़कियाँ जितनी भी होंगी वो उसके फेवर में नहीं होंगी। हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ ज़रूर फिर से पहन सकते हैं, पर दीपक ऐसा नहीं सोचता। तो somehow because यहाँ जगह कम होती है, वार्डरोब का साइज़। मेरे ख्याल में तो यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी हो जगह का भी इशू नहीं हो, जो चीज़ यूज नहीं है उसको क्यों फालतू बांध के रखना। तो वार्डरोब मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं फेंकती थी पर अब somehow मैं फेंकने लगी हूँ। तो हमने जितने भी हमारे वेस्टेज थे जो हम नहीं पहनते थे, लाइक हमारे अच्छे अच्छे कपड़े जो हमने पहनना बिकॉज ऑफ सम और अदर रीज़न छोड़ दिए थे, जूते जो हमने छोड़ दिए थे पहनना, वो हमने सब यहाँ डंप कर दिए हैं। अब आई होप ये किसी और के काम आ जाए, है ना दीपा? Yeah. चलो अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो हम लोग स्ट्रॉबेरी के फार्म्स ढूंढते ढूंढते इस जगह पर आ गए जहाँ पर इन्होंने हमसे बोला कि स्ट्रॉबेरी के फार्म्स जहाँ से ये स्ट्रॉबेरी लाते हैं वो 40 किलोमीटर दूर है। तो गाइस हम लोगों ने
स्ट्रॉबेरी तो खरीद लिए लेकिन हमें वहाँ फार्म्स नहीं मिले। उसने बोला है दुकान वाले ने कि वो बहुत दूर से लाता है, 50 किलोमीटर दूर से। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा है, होपफुली वो मुझे बता दे आसपास कोई हो तो मैं आपको लेके चलूँ। और ये 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी लाइक फ्रेश स्ट्रॉबेरीज उसने मुझे दी 3 यूरोस की, और बहुत टेस्टी, एक्चुअली बहुत टेस्टी है। तो अब अपन चलते हैं यार, थोड़ा ढूंढते हैं, थोड़ा टफरी करते हैं, क्या कहते हैं, टफरी करते हैं, एंड देन मिल जाए तो अच्छा है। मुझे आपको दिखाना, एक्चुअली मुझे भी देखना है, मैंने देखा नहीं। दीपक तो कह रहा था कि स्ट्रॉबेरीज पेड़ पे लगती हैं। इसे लगा स्ट्रॉबेरीज पेड़, मतलब मुझे लगा वो जो जैसे वो लगते हैं अपने, हां ट्रीज पे होती हैं, बट एक्चुअली इनके बहुत छोटे-छोटे पेड़ होते हैं। तो मैंने एक्चुअली कुछ वीडियोस में और किसी के फोटोज में देखा था, तो मैंने इससे बेट लगा ली थी कि नहीं वो छोटे छोटे होते हैं। तो अब इसको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया कि यार कैसे होते हैं, और मुझे तो है ही है, तो इस वजह से हमने सोचा कि आज हम वहां जाते हैं। चलो फिर तो हम स्ट्रॉबेरी गार्डन ढूंढते ढूंढते अपनी फेवरेट जगह आ गए। अब हम आप ढूंढा है, मतलब हमने पता कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग देयर। गाइस हम बस ये खा खा के ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। हमें जो लोकेशन भेजी है इसके दोस्त ने और मेरी दोस्त ने, वो हमें यहाँ आके खड़ा कर दिया। देखो वो तो बीच में खड़े का बोल रहा था, और नेटवर्क भी नहीं है फोन में। क्या करें यार हम लोग, आपको पता है क्या ये स्ट्रॉबेरी के फार्म्स कहाँ पर है? अगर पता है तो प्लीज लोकेशन भेज दो। और जब हम वो पर्टिकुलर बोर्ड से सर्च कर रहे हैं तो बहुत दूर दूर दिखा रहा है, 100 किलोमीटर दूर। तो अब गाइस हम लोग सोच रहे हैं कल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने गूगल पे सर्च किया, बता लो, तो उसमें लिखा है कि ये 12 बजे तक ही ओपन होता है हर दिन। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम कल जाएंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:30। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये 12 बजे बंद हो जाता होगा, पर इनके जो मैप, मतलब इनकी जो वेबसाइट है उसमें ये लिखा हुआ है। और एक बोर्ड तो पड़ा था हम लोगों को, पर वो बोर्ड में बांधा था कुछ, तो हमें लगा शायद ये नहीं होगा रास्ता। तो चलो गाइज फिर हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे ये वीडियो। तो हम लोग जा रहे हैं अब फाइनली स्ट्रॉबेरी गार्डन। दीपक स्ट्रॉबेरी गार्डन खुला है आज? हाँ यार खुला तो है, 7 बजे तक अब जाके देखेंगे। स्ट्रॉबेरी देखो, आपको स्ट्रॉबेरी दिखाने के लिए हम कितना चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ आ गया, बिल्कुल खेत ही खेत दिख रहे हैं हर जगह, और यहाँ मुझे गेहूं के खेत भी दिख रहे हैं। तो अभी हम लोगों को आगे और जाना है, हम लोग पैदल आ गए थे, गाड़ियाँ देखी तो हमें लगा शायद यहीं है, पर यहाँ आगे और बोर्ड लगा है, तो मुझे लगता है अभी थोड़े आगे और जाना पड़ेगा। और देखो आप पीछे कितना सुंदर लग रहा है ऐसा। दीपक आ रहा है क्योंकि मैं यहीं उतर गई थी। बहुत आगे लोग जा रहे हैं, इधर ही पड़े क्या लोग? हाँ कुछ कुछ स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है, जूम करके दिखा सकती हूँ। बंद हो गया आज, फिर हम लोग लेट हो गए हैं, स्ट्रॉबेरीज भी शायद हार्वेस्ट हो चुकी है, जून में स्टार्ट होंगी। ये देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं पता है तुम्हें? मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर लोग आते हैं और स्ट्रॉबेरी पिक करते हैं, खाते हैं, खरीदते होंगे। हाँ वो सामने जो उनका है वहाँ पर खरीदते हैं, टॉयलेट भी रखी हुई है वहाँ पर एक। तो ये है देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज यहीं से आपको दिख रही होंगी। तो एक्चुअली स्ट्रॉबेरीज ऐसे लगती हैं, उगती हैं। It's not a game, it's a rage game.
तो गाइस देखो, हम यहाँ तो आ गए, हमने स्ट्रॉबेरी के खेत को देख लिए है कैसे उगती है, पर यहाँ वाला जो जोन है वो वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज खत्म हो गई हैं, बट स्टिल आप देख तो सकते हो। देखो इस तरफ तो स्ट्रॉबेरी है और इस तरफ है गेहूँ और पीछे है पहाड़ी पहाड़, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। सुरभि, क्या हुआ, सब चीजें गई आउट ऑफ स्टॉक? हाँ, पर स्टिल हमने जो हमारा मोटिव था वो तो हमने किया ही। आप लोगों को स्ट्रॉबेरी के खेत दिखा दिए और हमने भी देख लिया, हमें पता नहीं था। जगह कितनी अच्छी है ना। हाँ? जगह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, आया करेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं पता था स्ट्रॉबेरी के पौधे ऐसे होते हैं। बाप रे, बहुत तेज तूफान आ रहा है भाई, भागो, पूरा धुंध हो गई है। जल्दी घुसो दीपक, जैसे तैसे हम लोग बच गए। देखो अभी मैं दिखा रही हूँ, ओ ये देखो, ओ बंदो, हम बहुत सेफ जगह है खेतों में। क्यों, खेतों में कुछ होता नहीं है क्या? पेड़ देख रही हूँ, खेतों में हवा भी तेज लगती है। उड़ी जाएंगे, मैं तो उड़ी जाऊं मेरे जा। ये देखो गाइस, मत जाओ वहां, अरे आने आ रही है, ये लोग अभी भी आ रहे हैं पागल से। बच गए आज तो सच में, आपको स्ट्रॉबेरी के दिखाने के चक्कर में हमारा खेल हो गया होता। अच्छा गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, हम बच गए। एंड सेकेंडली, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज तो भैया भयंकर बच गए हम, मैंने पहली बार ऐसा वाला तूफान यहाँ पर देखा है। और यार मैं बोल रहा था बार बार जून ही तो है ये। हाँ। तो अब कब होगा नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी सीजन, देखना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर। हाँ, मुझे नहीं पता, पर अब मतलब ठीक है, हम स्ट्रॉबेरी पिक नहीं कर पाए, पर आपको खेत तो दिखा दिए। हाँ। लॉजिकली तो दिखाई दिया है। हाँ, और क्या खेत है ना, मतलब हम थर्ड टाइम आए, थर्ड टाइम और हमने देख लिया यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं बाल्टी लेके स्ट्रॉबेरी फ्रेश लेने, स्ट्रॉबेरी फ्रेश लेने, फ्रेश चीजों की कितनी अच्छी वो डिमांड है यहाँ पर, जो कि ऑब्वियसली दुनिया में सभी जगह है, पर हमारे यहाँ छोटे छोटे खेतों में लोग नहीं खरीदते चीजें। अगर आसपास दिल्ली के आसपास देखे जाए, छोटे छोटे बहुत सारी, जैसे हमारा गाँव है सुरभि दिल्ली के पास में, वहाँ पे ब्रोकली वगैरह उगाई थी उन्होंने, मेनली है ना, सब गोभी लगाई, सोचो वहाँ से ब्रोकली खरीदे एकदम फ्रेश ताजा खेतों में से, और क्या चाहिए, शुद्ध वही ऑर्गेनिक का जो यहाँ पर जो फंडा है ना वो एकदम अलग है। वो धीरे धीरे हम आपको और बताएंगे, अभी आप आंधी देखो। हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 है दीपक। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है इस चैनल पे, लेकिन उससे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये था हमारा एक दिन आपके साथ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर ज़रूर कमेंट करना, नीचे लिख के लिखना आप कि आपको सबसे अच्छा इस वीडियो में क्या लगा और आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं।
और हम लोग आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी जर्मनी से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड बातें बताते रहेंगे। और बाय बाय, टेक केयर गाइस। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना। वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।